बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं बर्डनामा। अस्सलाम वालेकुम। अब चूंकि टाइम आ गया है उमर बॉक्स हैंग करने का, इस वक्त सारे फैंसियर बड़े एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं कि पेयरिंग हो गई है तो अब जो है वो सीज़न स्टार्ट हो। तो 90% लोगों का इशू पहले क्लच में आता है डेड इन शेल का। सही। तो हमारे यहाँ डेड इन शेल जैसे ही किसी को कहो तो 99% लोग फ़ौरन कहते हैं ह्यूमिडिटी। लेकिन ह्यूमिडिटी का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो डेड इन शेल में 10-15% है। बाकी चीज़ें दूसरी हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, अंडर एज बर्ड है, बर्ड अभी जो है वो मेच्योर नहीं हुआ होता, रेडी नहीं होता। तो हमें क्या करना है कि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि बॉक्स जो पुराने सीजन के हैं वो उतार के रख दिए। अब उनमें पुरानी नेस्टिंग भी पड़ी है, डस्ट भी है, छिपकलियाँ इंसेक्ट्स भी आ रहे हैं, गर्द भी पड़ रही है। तो हम क्या करते हैं, सरसरी तौर पे साफ़ करके बॉक्स को हैंग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अपने शेड को भी डिसइंफेक्ट करें और बेहतर है कि विरकॉन एस दी बेस्ट जो है वो डिसइंफेक्टेंट और एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल जो है ना वो अवेलेबल है। ये तीनों पर्पस के लिए ये काम करता है विरकॉन एस। आपने शेड को डिसइंफेक्ट करना है या बॉक्स डिसइंफेक्ट करने हैं तो 1 लीटर में 10 ग्राम विरकॉन एस आपने डालना है। इसे 1% सॉल्यूशन कहते हैं। 1 लीटर में 10 ग्राम विरकॉन एस डाल के, और वो आप बर्ड पे भी शावर कर सकते हैं, उनके बर्तन में अगर ये दाने पे भी कुछ ड्रॉप्स गिर गए हैं तो कोई इशू नहीं है। आप अपने शेड को डिसइंफेक्ट करें, आप अपने बॉक्सेस को डिसइंफेक्ट करें, केजीज को करें। ये मेन कॉज है मेरी नज़र में डेड इन शेल की। वो क्या होता है कि पहला क्लच डेड इन शेल जाता है। अच्छा, अब कई लोग कहेंगे कि जी पहला जो है डेड इन शेल गया तो दूसरे में बच्चे कैसे सर्वाइव कर गए। बैक्टीरिया होता क्या है कि बाय द टाइम उस बैक्टीरिया से बर्ड भी इम्यून हो गया होता है। बिल्कुल है। तो क्या होता है कि दूसरे क्लच में एक डेड इन शेल हो गया, 3 बच्चे सर्वाइव कर गए। तो लोग कहते हैं कि जी ये देखे ना, ये तो पहला क्लच जो है वो पूरा खराब आया, दूसरा सही आया है। तो असल मसला ये होता है। तो आप किस तरह बॉक्स अपने हैंग करते हैं सीजन के स्टार्ट में? मुस्लिम भाई, बॉक्सेस जो है, एक तो कोशिश अब ये होती है कि हर सीजन से पहले जो है ना नए बॉक्सेस बनवाए जाएं, पुराने जो है वो किसी को दे दिए जाएं। ठीक है। तो नए बॉक्सेस में आपकी जो है वो मेहनत ज़रा कम हो जाती है, लेकिन उनको भी जो है वो प्रॉपर जो है वो डिसइंफेक्ट करना चाहिए। आपको एक बाल्टी में पानी डाल के उसमें 10 ग्राम जो है वो 1 लीटर के हिसाब से जो कि आपने बताया है वो आप अपनी क्वांटिटी देख लें कि एक बॉक्स कितने लीटर पानी में जो है वो डूबता है, तो उसके हिसाब से आपने उसको डिप करके बॉक्सेस को लगाने से पहले डिप करके, तो उसको आपने फिर 2-3 दिन के लिए धूप में रखना है। जब आप उसको 2-3 दिन के लिए धूप में रख लेंगे तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे या वायरसेस होंगे, यानी कि काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा जब आप बॉक्स हैंग कर देते हैं तो दूसरा जो आपका स्टेप आता है वो नेस्टिंग का आता है। तो नेस्टिंग भी हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि बाजार से जाके ले आते हैं और उसी तरह उसको काट के फेंक देते हैं। तो ये नेस्टिंग एक बात है कि जब आप नेस्टिंग मटेरियल जिस भी बर्ड शॉप से लेते हैं वहाँ इम्पोर्टेड बर्ड्स भी होते हैं, वायरस कैरियर बर्ड्स भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर इंसान के जिस्म से वायरस आ सकता है तो वो उस नेस्टिंग जो उस शॉप से आप लेके आए हैं उसमें भी तो वायरस का कैरियर हो सकता है। तो उसको कैसे डिसइंफेक्ट करें? उसको भी बिल्कुल इसी तरह कि आप उसको धूप में रखे, उसको विरकॉन एस का या ब्रोमोसेप का जो भी आपको इजी लगता है, जो भी अवेलेबल है इजीली, उसका स्प्रे करें, उसको भी 1-2 दिन धूप लगवा लें तो बड़ा बेहतर है। तो उसके बाद आप वो अपने बर्ड्स को दे दें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपका काफ़ी हद तक पहला क्लच जो है वो मेरा ख्याल है कि सेफ हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा मोहसिन भाई, मेरा ख्याल है कि जो जब हम दूसरा क्लच लेते हैं ना तो होता ये है कि हम लोग, तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि बॉक्स को उसमें जो भी गंदी नेस्टिंग होती है ना वो उठा के बाहर फेंक देता हूँ जैसे ही पहला अंडा आता है, और नई नेस्टिंग खुद ही बना के रख देता हूँ और अंडा उसके ऊपर रख देता हूँ। तो फीमेल जो है वो बैठना शुरू हो जाती है उस पर। उससे ये फ़ायदा होता है कि बॉक्स आपका बिल्कुल जो है ना दोबारा से साफ हो जाता है काफ़ी हद तक। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास सपोज़ कोई 40 केज है, 40 बॉक्सेज है, तो मैं 5-10 बॉक्सेज एक्स्ट्रा रखे होते हैं जिनको ऑलरेडी मैंने साफ करके रखा हुआ है। तो जैसे ही कोई नया सेकंड क्लच किसी पेयर ने स्टार्ट किया तो मैं उसका पुराना बॉक्स उतार के नया बॉक्स उसमें नेस्टिंग सेट करके तो वो हैंग कर देता हूँ, और जो उतारा होता है उसको धो के फिर रख लेता हूँ।
इससे क्या होता है कि जब आप हर दफ़ा नेस्टिंग नहीं देंगे तो कोई बैक्टीरिया कोई इंसेक्ट्स बनने का कोई इशू ही नहीं आता, वो ये होगा कि फिर आपके सारे क्लच इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपर आते रहे। और उसके अलावा ट्रेज अपनी जो है वो वीकली जो है वो लाजमी साफ, केजेस अपने, केजेस बर्तन जो है वो खाने वाले सीजन के स्टार्ट में स्पेशली उन सबको भी डिसइंफेक्ट करें, इसी तरह जैसे बॉक्स करना है वो लाजमी करें। और फिर जो है वो सफाई और डिसइंफेक्टेंट जो है 15 दिन बाद 20 दिन बाद वो शेड में केजेस पे दीवारों में वो करते रहें। तो इंशाल्लाह देखें, ये तो हर किसी की अपनी लक है नसीब है, लेकिन हमारे इख्तियार में जो है प्रिवेंशन है वो तो हम कर सकते हैं, मैक्सिमम करें, बाकी उसका रिवार्ड तो देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। और अल्लाह करे कि सबके जो है वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको ब्रीड आए, अल्लाह ताला सबके बर्ड्स को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, सबको जो है वो अच्छी ब्रीड अता करे। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।